है दोस्तों, हम लोगों ने डाइस का पहला देखा था कि इसमें पहले हम लोग ने देखा था कोई भी सतह समान नहीं होने पे तो एक मानक पासा था और एक साधारण पासा था। ठीक है, उसके हमने क्वेश्चन भी ले चुके थे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट पे जिसमें एक सतह समान होगा। क्या रहेगा? एक सतह, सॉरी रुको, मैं कलम थोड़ा पतला ले लेता हूँ, बहुत मोटा हो गया है। क्या रहेगा? एक सतह समान रहेगा। एक सतह समान का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या रहेगा, मेन चीज आप लोग को क्या रहेगा, कम से कम इस प्रकार के प्रश्न में कम से कम दो आकृति दिया गया, मतलब दो पासा दिया गया रहेगा। ठीक है, इसमें दो आकृति रहेगी, दो आकृति या दो पासा, आकृति या दो पासा दिया गया रहेगा। समझो आप लोग अच्छे से, इसमें दो कम से कम दिए रहेगा और उसमें से एक सतह समान होगी, पासा दिया रहेगा और एक सतह समान रहेगी, एक सतह दोनों में से एक सतह समान रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन, आप लोग को क्वेश्चन पे ले जाके दिखाते हैं। ठीक है, देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, एकदम अच्छे से समझो। हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन दोस्तों, क्या क्वेश्चन आया, दो दो पासा बना हुआ है, उसमें से एक सतह समान है और पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। देखो हम लोग को क्या करना है, पहले लिख लेना है, हम लोग को हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाना है, कोई भी पासा घूमेगा वो क्लॉकवाइज ही घूमेगा। देखो हम लोग को क्लॉकवाइज में 6 के अपोजिट 6 दिया गया है। ठीक है, और 6 के बाद इधर 4 के अपोजिट 5 है। ठीक है, इधर घुमाएंगे तो 3 का अपोजिट 2 है। अब इसमें से देखो कौन सी संख्या नहीं आई है, 6 के अपोजिट 1 जो नहीं आई, वही एक जो है छिपा हुआ है, तो यही एक हमारा आंसर होगा। कभी भी देखने का, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 तो ऑलरेडी है, तो 6 के बाद पूछा है तो इसमें 1 आएगा। ठीक है, अच्छा करता हूँ आप लोगों ने ये समझा है क्वेश्चन। चलो हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग उदाहरण के तौर पे आप लोग को दिखाएंगे, फिर से हम लोग पासा बना के देखते हैं, उसके बाद देखो दोस्तों, जो जो एक सतह समान होती है उसके उसके विपरीत जो हिडन से सतह छिपी रही होगी। ठीक है, देखो एक सतह समान में क्या रहता है, यदि सभी सतहों के विपरीत ज्ञात करते हो तो दोनों आकृति में उपस्थित समान सतह को घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाती है, मतलब क्लॉकवाइज ही घूमती है। समान सतह के नीचे समान सतह को लिखते हैं और एक दूसरे के नीचे वाले समूह को दूसरे के विपरीत सतहें होती हैं। ठीक है, चलो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। देखो दोस्तों, हम लोग को दो पासा दिया गया, उसमें एक सतह ऐसी है जो समान है, फिर हमसे पूछा गया 6 के सामने कौन सा है, तो हमें पहले सतह से सतह ले लेना है 2, फिर इसके बाद क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा तो क्या आया 1, फिर 5। अब इनके सामने इनका इनका रख लो, इनके सामने क्या है 2, फिर 1 के 6, 5 के 3, तो पूछा क्या है 6 के विपरीत क्या है, 1 आंसर आएगा। लेकिन अगर यही 2 के पूछा होता तो क्या करता, हम लोग देखते कि कौन सा हिडन छिपी हुई सतह है, एक भी हमारे पास है, 2 भी, 2 का ही पूछता ऑलरेडी, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, बस 4 नहीं था, तो हमारा उसमें 4 होता अगर वो 2 के विपरीत बोला होता तो, बट उसने 6 के विपरीत बोला तो वो हमारा है 1 आंसर। ठीक है, चलो हम लोग आगे और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे अच्छे आप लोग को समझ में आएगा। देखो दोस्तों, हम लोग के पास नया क्वेश्चन आया है, बिंदी में दिया गया है। ठीक है, इसमें पूछा जो चार चार सतह है उसके उसके बराबर कौन सा है। हम लोग इसमें भी देखो 4 है, इसमें भी 4 है, तो हम लोग को क्या करना है, पहले 4 का विपरीत कर लेना है, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 5 आएगा, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 1 आएगा। अब देखो इधर भी 4 ही आएगा, फिर क्लॉकवाइज 5 के सामने 2 है, 1 के सामने 6 है, तो हमें 4 के सामने पूछा है, तो इसमें कौन सी संख्या नहीं है, जो 3 नहीं है, तो हमारा 3 आंसर आएगा। ठीक है,
आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। 3 हमारा आंसर होगा। आप लोग को बस देखना है कौन सी सतह छिपी हुई है किसके, उसके अकॉर्डिंग रख के आप जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे कर ले जाओगे। चलो हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और आप लोग को समझ में आएगा। देखो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसमें 2 दिया है जिसमें से एक सतह समान है, इसमें से जो दिल है उसका पूछा है कि इसके समान बराबर क्या होगा। पहले हम लोग सतह को देख लेते, जो भरा हुआ है एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उसके सामने ब्लैक ब्लैक ही करना है। फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो गोला का आएगा, गोला के सामने क्या है प्लस। फिर हमारा ए आएगा ए, ठीक है, इसके सामने क्या आएगा दिल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दिल के सामने, दिल के सामने क्या आएगा ये वर्ग टाइप का जो है ये हमारा आंसर आएगा। अगर यही अगर इसके सामने बोला तो हमें इसमें तो अंक है नहीं कि जो हम लोग बता सकते हैं छिपे हैं, इसलिए इसमें ऐसे क्वेश्चन में हम ज्ञात नहीं कर सकते आंसर। अगर इसमें ये भरा हुआ का पूछता कि ये जो भरा हुआ है पूरा सॉलिड में है इसका क्या आएगा, तो उसमें हम लोग दे सकते थे ज्ञात नहीं कर सकते, बट हमें ऐसा नहीं दिया। हम लोग को दिल वाला पूछा था, दिल वाले में हमारा वर्ग का आंसर आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों डाइस का हम लोग का ये हो गया पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो 2 सतह समान रहती हैं हम वो बताएंगे, ठीक है। आज का वीडियो बस इतना लेते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।